नमस्कार, मैं अश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में 935 आंगनवाड़ी पदों की भर्ती, आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। बिहार कैबिनेट में लगी कुल 38 एजेंडों पर मुहर, सरकारी कर्मियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी, ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना की स्वीकृति। आज खेले जाएंगे विमेंस हॉकी के 3 रोमांचक मुकाबले, भारत और थाईलैंड की टक्कर आज शाम 4:45 से खेला जाएगा यह रोमांचक मुकाबला। सरकारी स्कूलों में बच्चों को नाम से बुलाने का फैसला, बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर बॉन्डिंग का प्रयास, क्लासरूम नियमों का पालन अनिवार्य। तिलक वर्मा ने जड़ा T20I शतक, T20I में शतक बनाने वाले दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज, तोड़ा सुरेश रैना का 14 साल पुराना रिकॉर्ड। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने पटना जिले की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के 935 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें सेविका के 235 और सहायिका के 700 पद शामिल हैं। आवेदन 14 से 18 नवंबर 2024 तक किए जा सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार patna.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है और चयन के लिए वार्ड का निवासी होना जरूरी है। योग्यता 12वीं पास होना अनिवार्य है। आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका सरकारी सेवक नहीं मानी जाएंगी। सेविका बनने के लिए सहायिका को 5 वर्षों का अनुभव और अर्हता होनी चाहिए। बिहार में एक ऐसे परियोजना की शुरुआत हो रही है जिससे पावर कट इतिहास बन जाएगा। जी हाँ, यह परियोजना बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। इससे राज्य में बिजली की समस्या का स्थायी समाधान मिल जाएगा और राज्य का विकास होगा। बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर में 2400 मेगावाट क्षमता वाली 3 नई बिजली इकाइयों के निर्माण की जिम्मेदारी LNG कंपनी को दी गई है। यह परियोजना 2025 से शुरू होकर 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसका अनुमानित खर्च 29,947.91 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से औरंगाबाद का कुल बिजली उत्पादन 2800 मेगावाट से बढ़कर 5,380 मेगावाट हो जाएगा। नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का स्टेज 2 तेजी से तैयार होगा, क्योंकि परियोजना के पास पहले से 1400 एकड़ अतिरिक्त भूमि और अन्य आधारभूत संरचनाएं मौजूद है। इससे बिहार में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकारी कर्मियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई, जिसका लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। 38 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें बिहार स्पन सिल्क मिल और बिहार स्कूटर लिमिटेड के मृत कर्मियों को 28,25,00,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना की स्वीकृति दी गई है। राजगीर में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना, नगर विकास विभाग के तहत 210 नए पदों का सृजन और पुनौरा धाम मंदिर के आसपास पर्यटन विकास के लिए 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी शामिल है। बिहार विमेंस हॉकी चैंपियनशिप में गुरुवार यानी आज 3 रोमांचक मुकाबले होंगे। पहले मैच में कोरिया और मलेशिया की टीमें भिड़ेंगी, जिसमें कोरिया के लिए जीत जरूरी है। दूसरे मुकाबले में चीन और जापान आमने सामने होंगे, जहां चीन का प्रदर्शन शानदार रहा है। तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत और थाईलैंड का मुकाबला होगा, जहाँ भारतीय टीम को जीत के लिए सचेत रहना होगा। भारतीय कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था और दक्षिण कोरिया को मात दी थी, और अब थाईलैंड को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी होगी। तीसरा और आखिरी मुकाबला आज शाम थाईलैंड और भारत के बीच 4:45 में खेला जाएगा। कुल मिलाकर यह दिन हॉकी प्रेमियों के लिए रोमांचक होगा। नीति आयोग ने बिहार समेत 5 पूर्वोदय राज्यों के विकास के लिए 3 प्रमुख क्षेत्र तय किए हैं। मानव संसाधन विकास, आधारभूत संरचना और आर्थिक गतिविधियां, इन क्षेत्रों में बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, सिंचाई और कौशल विकास जैसे मुद्दों का रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया। नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना तथा योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सैंथिल कुमार सहित कई सरकारी अधिकारियों ने इन मसलों पर चर्चा की और केंद्र सरकार से मदद प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया। यह बैठक 5 पूर्वोदय राज्यों के विकास पर केंद्रित थी।
बिहार में सरकारी स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। अब बच्चों को रोल नंबर या उपनाम से नहीं बल्कि उनके अपने नाम से बुलाया जाएगा। पटना जिला शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इससे बच्चों और शिक्षकों के बीच अपनापन बढ़ेगा और एक बेहतर बॉन्डिंग स्थापित होगी। इसके अलावा बच्चों की हाजिरी केवल उपस्थित बच्चों की ही दर्ज की जाएगी और शिक्षक को पूरी तैयारी के साथ क्लास में आकर पढ़ाना होगा। यह कदम बच्चों को डर के बजाय सम्मान से सिखाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक पद के लिए एक बार फिर से श्रेणीवार न्यूनतम अर्हतांक यानी क्वालिफाइंग मार्क्स जारी किए हैं। जी हां, जिसका रिजल्ट 1 नवंबर को जारी किया गया था। बीते दिन आयोग ने विज्ञप्ति में बताया कि 1 नवंबर को परीक्षा फल प्रकाशन के बाद कई अभ्यर्थियों ने न्यूनतम अर्हतांक एवं कट ऑफ अंक को लेकर अनावश्यक ईमेल कर रहे हैं। कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया गया है, ऐसा आयोग का मानना है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि बीते दिन जारी विज्ञप्ति से और भी उलझने बढ़ गई हैं। दरअसल 1 नवंबर को जारी परिणाम में ईडब्ल्यूएस के ग्राफ में 48 कट ऑफ अंक दर्ज था, जबकि बीपीएससी ने बुधवार को स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस का न्यूनतम अर्हतांक 60 अंक है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 नवंबर को जारी न्यूनतम अर्हतांक के हिसाब से एससी का कट ऑफ अंक 49 दर्ज था। बीपीएससी द्वारा जारी किए गए असमंजसपूर्ण क्वालिफाइंग मार्क्स पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें बताएं। बिहार में सह क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करीब 1,40,000 नियोजित शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बीते दिन बुधवार को बताया कि पटना के अधिवेशन भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 200 से अधिक शिक्षकों को खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जबकि शेष शिक्षकों को उनके प्रखंडों में नियुक्ति पत्र मिलेगा। इन शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और वे बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहाल शिक्षकों के समान वेतनमान और सुविधाएं प्राप्त करेंगे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षक नए स्कूलों में पदस्थापित होंगे। काउंसलिंग पूरी करने वाले 1,40,000 शिक्षकों को पहले चरण में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आगे के चरण में बचे शिक्षकों को काउंसलिंग होने के बाद ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। बिहार में गंगा नदी पर बन रहा एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन वाला केबल ब्रिज लगभग पूरा हो चुका है। मोकामा और बेगूसराय को जोड़ने वाला यह ब्रिज बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 1,161 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 8.15 किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर 15 मीटर लंबे ब्रिज का 92% कार्य पूरा हो चुका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2025 तक यह आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ब्रिज में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक भी होंगे। यह ब्रिज उत्तर बिहार में दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी और दक्षिण बिहार लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, नवादा, गया और पश्चिमी बिहार पटना, आरा, बक्सर को जोड़कर क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पटना के पटेल नगर स्थित शेल्टर होम में 7 नवंबर को खिचड़ी खाने के बाद 3 बच्चियों की मौत हो गई। इस घटना ने सरकारी संस्थानों में लापरवाही को लेकर सवाल उठाए हैं। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच चल रही है और रिपोर्ट शाम तक आएगी। प्रारंभिक जाँच में लापरवाही और साफ सफाई में कमी पाई गई है और फूड प्वाइजनिंग के कारणों की जाँच हो रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नया प्लान तैयार किया जा रहा है। पटना विजिलेंस की टीम ने हाजीपुर नगर थाना में तैनात महिला दारोगा डॉक्टर पूनम कुमारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। महिला दारोगा किसी मामले में काम कराने के लिए रिश्वत ले रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। जब टीम ने पैसे बरामद किए तो महिला ने बार बार रिश्वत लेने की बात से इनकार किया, लेकिन टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। यह घटना वैशाली जिले में एक बार फिर पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाली साबित हुई है। ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस मामले में बीते दिन बुधवार को पुणे के देवेंद्र सिंह आनंद और मुंबई के विपुल बंसल को गिरफ्तार किया। दोनों को पटना स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के बाद सवालों के सही और संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण गिरफ्तार किया गया। देवेंद्र सिंह आनंद पुणे में आनंद ट्रेडिंग कंपनी चलाता है, जिसके बैंक खाते में संजीव हंस और उनके सहयोगियों के लेन देन हुए थे। इस कंपनी की भूमिका जमीन खरीद और सीएनजी स्टेशन निर्माण में भी महत्वपूर्ण रही है। विपुल बंसल संजीव हंस का कॉलेज दोस्त है और मुंबई में रियल एस्टेट में निवेश करता था। उसे जांच में अहम भूमिका के बाद गिरफ्तार किया गया।
बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान भोजन और अन्य आपूर्ति पर 18 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया गया, लेकिन जांच में गड़बड़ी सामने आई है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में जांच टीम ने पाया कि कंपनियों ने मूल बिल से 10 गुना अधिक खर्च का ब्यौरा दिया था। एक चुनाव कर्मी के लिए एक दिन में 10 प्लेट भोजन का दावा किया गया, जबकि वास्तविक खर्च केवल 2,49,00,000 रुपये था। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के ठहरने स्थल पर असंगत पंखे और बल्ब लगाने का दावा किया गया। जांच के बाद संबंधित बिल फर्जी घोषित कर दिए गए। इस पर कड़ी जांच होने की उम्मीद है। बिहार में सरकारी बंगला विवाद छिड़ा है, जहां वन व्हीलर रोड स्थित सरकारी बंगला पहले पशुपति पारस गुट के पास था, लेकिन अब वह चिराग पासवान की पार्टी को आवंटित किया गया है। पशुपति पारस गुट ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली और अब पशुपति पारस गुट को पार्टी कार्यालय मिलेगा या नहीं, इस सवाल पर भवन निर्माण मंत्री ने कहा, यदि उनकी पार्टी राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय पार्टी के दायरे में आती है तो कार्यालय मिलेगा, यदि नहीं आती है तो नहीं मिलेगा। भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि कोर्ट को जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे T20I मैच में तिलक वर्मा ने शतक ठोककर भारत को 11 रन से जीत दिलाई। तिलक वर्मा ने 56 गेंदों पर 107 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इस शतक के साथ तिलक वर्मा T20I में शतक बनाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बने। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर की बराबरी करने वाले खिलाड़ी भी बने। तिलक वर्मा अब 12वें भारतीय बैटर हैं जिन्होंने T20I में शतक जड़ा है। साथ ही सुरेश रैना को पीछे छोड़ते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे कम उम्र में शतक ठोकने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सदुल्लाह पलवी, छोटू राजा, रवि मोहन वर्मा, वेद प्रकाश सिंह, कामेश्वर सिंह, संतोष कुमार, राकेश मिश्रा, कुमार शेव, रतिकांत मिश्रा और जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपको लगता है कि बिहार विकास की सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।